आप सभी को नमस्कार। मैं अभिनंदन करता हूं देश के प्रधानमंत्री और भारत सरकार का। हमेशा किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की और अन्नदाताओं के लिए संघर्ष करने वाले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर देश के करोड़ों अन्नदाताओं का मान सम्मान बढ़ाया। चौधरी चरण सिंह जी का जीवन हमेशा समाज के कमजोर वर्गों की बात रखना, चाहे विधानमंडल के सदस्य के नाते हो, चाहे लोकसभा के सदस्य के नाते, हमेशा उनके फोकस में अन्नदाता किसान, मजदूर, दलित की लड़ाई उन्होंने हमेशा लड़ी। और आज देश के 140 करोड़ लोग आनंदित हैं, प्रसन्नचित हैं कि उनके समाज के प्रति, देश के योगदान के प्रति जो उन्होंने योगदान किया है उसका संज्ञान भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में लिया है और उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हरित क्रांति के जनक, देश के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक आदरणीय स्वामीनाथन जी को भी भारत सरकार ने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया। हमारे प्रधानमंत्री रहे पीवी नरसिम्हा राव जी को भी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने का काम भारत सरकार ने किया है। पद्म पुरस्कारों के प्रति जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, ये निर्णय उसे ही प्रदर्शित करता है। मैं उत्तर प्रदेश के सभी नागरिक भाइयों बहनों की ओर से भारत सरकार के प्रति और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने, उनकी सरकार ने ये एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। ये हमारे लिए, सबके लिए गर्व का विषय है। जो व्हाइट पेपर सरकार की तरफ से देश की अर्थव्यवस्था पर माननीय वित्त मंत्री जी जो श्वेत पत्र लाई है, वो एक सच्चाई का आईना है, जिससे कांग्रेस पार्टी के परिवार ने कभी भी देश के सामने उस सच्चाई को आने नहीं दिया। यह श्वेत पत्र ये सिद्ध करता है कि कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड से निकले हुए अर्थशास्त्री या रिजर्व बैंक के गवर्नर देश की अर्थव्यवस्था को उसी तरह ऊंचाई पर लेकर जा सकते हैं, ये सच नहीं। सच्चाई ये है कि भारत का एक गरीब बेटा, जिसने अपने जीवन में गरीबी को जीने का काम किया है, जिसमें दृढ़ इच्छा शक्ति हो, जिसके शरीर का एक एक क्षण क्षण और जीवन पल पल देश के विकास में काम करने में बीतता हो, जिसमें दुनिया में सबसे आगे देश को ले जाने का जुनून हो, वह जब देश के सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री तक पहुंचता है तो न केवल इस पद की गरिमा बढ़ती है बल्कि गरीब कल्याण के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था में भी नए आयाम घटता है। भाइयों बहनों, ये श्वेत पत्र इस बात का साक्षी है कि 2004 और 2014 के बीच की कांग्रेस के गठबंधन यूपीए सरकार की अवधि की तुलना में 2014 से 24 तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार में
देश की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से कैसे सुधार हुआ। यूपीए ने केवल अर्थव्यवस्था का नुकसान पहुंचाया बल्कि हम ही लोग कह सकते हैं कि देश को लूटने का काम, और जिस प्रकार से सरकार के समय भ्रष्टाचार के रोज नए स्कैम खुलते थे और सरकार के अलग अलग विभागों का काम करने वाले मंत्रीगण जिस प्रकार से जेल जाते थे, वो उसी का प्रतीक बन गए थे। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार के एक स्तंभ अर्थव्यवस्था विरासत में मिलने के बावजूद यूपीए ने देश की अर्थव्यवस्था को कैसे गैर निष्पादित अर्थव्यवस्था में बदल दिया, इसकी जानकारी इस श्वेत पत्र में मिलती है। जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने कार्यभार संभाला, तब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एनपीए का अनुमान 16% था और अब जब उन्होंने पद छोड़ा तब यह 7.8% था। सितंबर 2013 में यह अनुमान सरकारी बैंकों के कमर्शियल लोन निर्णय में यूपीए सरकार द्वारा राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण 12.3% चढ़ गया। 2014 में बैंकिंग संकट बहुत बड़ा था। 2004 में सरकारी क्षेत्रों के बैंक द्वारा सकल अग्रिम केवल 6.6 लाख करोड़ रुपए था, जबकि मार्च 2012 में यह 39.0 लाख करोड़ रुपए था। यूपी की सरकार के दौरान देश की जो बदहाल आर्थिक स्थिति थी उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं उस वक्त की सरकार का नेतृत्व कर रहे लोग थे, पीएम से लेकर सुपर पीएम तक। तब जो प्रधानमंत्री थे उनको कोई प्रधानमंत्री बनने को तैयार नहीं था और उस सरकार में सबके सब मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री समझते थे जो सुपर पीएम के आदेश पर काम करते थे। परिणाम यह हुआ कि घोटाले पर घोटाले होते रहे, प्रधानमंत्री सब कुछ जानते हुए आंख मूंदे बैठे रहे। देश ने उस वक्त 2G घोटाला देखा, कोयला घोटाला देखा, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला देखा, सत्यम घोटाला देखा, ट्रक घोटाला देखा, कॉमनवेल्थ खेलों में जिस प्रकार से घोटाला हुआ वो देखा, कैश फॉर वोट का घोटाला देखा, आदर्श घोटाला देखा, शारदा चिटफंड घोटाला देखा, आईएनएक्स मीडिया मामला देख, एयरसेल मैक्सिस घोटाला देखा, एक्ट्रिक्स देवास घोटाला देखा, लैंड फॉर जॉब घोटाला देखा और 15 घोटाला कांग्रेस की यूपी सरकार के दौरान 2014 से 2014 तक के कालखंड में हुए। और हमारी सरकार आने के बाद 2014 के बाद साथ ही लोगों को अच्छे लगने वाले निर्णयों की जगह एक ऐसे निर्णय लिए गए जो लोगों के लिए अच्छे हों। हमने इसका प्रतिफल भी देखा, हमने देखा शौचालय बनाने से देश की जीडीपी बढ़ सकती है, लोगों के लिए घर बनाने से देश की जीडीपी बढ़ सकती है, घर में बिजली पानी गैस का कनेक्शन आयुष्मान कार्ड देने से देश की आर्थिक विकास दर में इजाफा हो रहा। तब देश ने G2G घोटाला देखा, अब हमारे पास सबसे कम दरों पर 4G के तहत आबादी का व्यापक कवरेज है और 2023 में दुनिया में 5G का सबसे तेज रोल आउट है। उक्त वक्त हमारे पास नीति पक्षघात था, बुनियादी ढांचा प्राथमिकता में नहीं था, अब निवेश विकास रोजगार उद्यमता और बचत के पुण्य चक्र के पहिए जिससे अधिक निवेश और उत्पादकता हो शुरू हो गया। यूपीए शासन में भारत के दोहरे अंक में मुद्रास्फीति थी, अब मुद्रास्फीति को 5% से थोड़ा अधिक पर लाया गया है। तब हमारी अर्थव्यवस्था
स्ट्रक्चर में फेरबदल किए बिना FDI यानी फर्स्ट डेवलपमेंट इंडिया 2014-23 के बीच 596 अरब डॉलर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI में आया था। 2005 और 2014 के दौरान आए FDI से दुगुना था। हम विदेशी पार्टनर्स और पार्टनर से वाइट ट्रेल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी द्विपक्षीय निवेश के लिए समझौता कर रहे हैं। बेलगाम राजकीय कोष ने घाटे ने देश की अर्थव्यवस्था को एक आर्थिक संकट की ओर ढकेल दिया था। अपने राजकीय कुप्रबंधन की वजह से UPA सरकार का राजकीय कोषीय घाटा अंत में अपेक्षा से कहीं ज्यादा हो गया और बाद में ये 2011 में अपने बजट की तुलना में बाजार से 27% से अधिक उधार लेने लगी। आज राजकीय कोष घाटे को हम तमाम चुनौतियों के बावजूद 5% के आसपास रखने में सफल हुए हैं। आज GST व्यवस्था संघवाद का एक नायाब उदाहरण है, क्योंकि अब तक GST काउंसिलिंग में सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं, मतलब सभी राज्यों की सहमति से नीतियां बनी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में NDA की सरकार ने पिछली सरकार द्वारा छोड़ी गई पर सफलतापूर्वक काबू पाया गया। जैसा श्वेत पत्र में कहा गया है कि अभी हमें मीलों चलना और लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले चुनौतियों के कई पहाड़ों को पार करना। अमृतकाल अभी शुरू हुआ है। हमारी मंजिल 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की है, इसलिए ये हमारा कर्तव्य और कर्तव्य काल है। बजाय अर्थव्यवस्था की गति को तेज करने और इसके लिए सकारात्मक माहौल बनाने के लिए कांग्रेस की UPA सरकार ने बाधाएं उत्पन्न की हैं, जिसमें अर्थव्यवस्था अपनी उम्मीद से काफी पीछे चली गई। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद वित्तीय वर्ष 2009 में और वित्तीय वर्ष 2014 के बीच 6 वर्षों के लिए उच्च राजकोषीय घाटे ने सामान्य और गरीब परिवारों पर दुखों का अंबार लगा दिया। 2009 और 2014 के बीच महंगाई चरम सीमा पर थी और इसका खामियाजा आम आदमी को उठाना पड़ा है। UPA की सरकार में विदेशी मुद्रा भंडार 2011 में लगभग 294 बिलियन अमरीकी डॉलर से घटकर अगस्त 2013 में 256 बिलियन अमरीकी डॉलर रह गई थी। आज हमारा विदेशी मुद्रा भंडार लगातार 600 अरब डॉलर से अधिक बना हुआ है। UPA सरकार के तहत निराशाजनक निवेश के माहौल के कारण घरेलू निवेशक विदेश जाने लगे थे। UPA की सरकार में बार बार नेतृत्व का संकट पैदा होता रहा। सरकार द्वारा एक अध्यादेश को सार्वजनिक रूप से फाड़ने की एक शर्मनाक घटना संसद में आई तो यह स्पष्ट है कि मनमोहन सिंह सरकार के 10 साल का कार्यकाल आर्थिक कुप्रबंधन, वित्तीय अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार का कालखंड था। तब हमने इस खराब स्थिति पर श्वेत पत्र लाने से परहेज किया। अगर ऐसा किया होता तो निवेशकों समेत कई लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता, इससे आर्थिक व्यवस्था पर भी असर पड़ता। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीबी की समस्या का समाधान ढूंढने में उल्लेखनीय प्रगति की है, जो व्यापक सामाजिक और आर्थिक विकास का प्रतीक है। आज देश के वंचित और वंचित तबके तक स्वच्छ जल पेय योजना, भोजन, बिजली, शैक्षिक अवसरों की पहुंच सुगम हो गई है। इस सकारात्मक बदलाव का श्रेय देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता और अथक प्रयासों के साथ केंद्र द्वारा चलाई गई PM आवास योजना, जल जीवन मिशन
स्वच्छ भारत अभियान और पीएम उज्ज्वला योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को जाता है। मैं एक बार अपने देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति जो लगभग 10 वर्ष के कालखंड में हमारी सरकारों ने जो काम किए और पुरानी सरकारों के बारे में भी आज सेतु पत्र के माध्यम से जो जानकारी दी है मैंने आपके सम्मुख रखी है। आज हमारा देश मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से चहुंमुखी विकास की ओर बढ़ रहा और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 तक जब देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे और एक ऐसा भारत बनाएंगे जो दुनिया का नेतृत्व करे, एक ऐसा भारत बनाएंगे जो हमारी कल्पना है जिसके लिए लंबे संघर्ष हमारी देश के नागरिकों ने किया कि भारत माता को परम वैभव पर बैठाना है और भारत दुनिया का नेतृत्व करे। मुझे ऐसी अपेक्षा है, माने मोदी जी के मार्गदर्शन में हम इस काम को कर पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अटल जी का किसानों के लिए बहुत बड़ा दिन था और पूरे हमारी सरकार और मोदी जी की सरकार चाहे योगी जी की सरकार की प्राथमिकताओं में गरीब अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को सरकार की लाभार्थी परक योजनाओं का लाभ कैसे मिले इसका प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लंबे समय से हम लोगों ने किया और उसका सफलतापूर्वक उसे लागू किया। आज जो लाभार्थी हैं सरकार की योजनाओं का जिसे लाभ मिलना चाहिए वो ऑनलाइन व्यवस्था के तहत बगैर किसी भ्रष्टाचार के बगैर किसी भेदभाव के उसका लाभ मिलता है। किसानों के लिए भी हमारी सरकार ने अनेकों प्रभावी कदम उठाए हैं। माननीय चौधरी चरण सिंह जी को जहां तक भारत रत्न देने का प्रश्न है हमारी पार्टी और हम लोग किसानों के लिए देश के लिए समाज के लिए चौधरी चरण सिंह जी का योगदान है उसे हमेशा स्मरण करते हैं और हमारी नीतियां जो भी हैं चाहे गरीब कल्याण की नीति हो चाहे हमारी योजना में माननीय प्रधानमंत्री में युवा हो महिला हो किसान हो गरीब हो उसमें कहीं ना कहीं खेती पर आधारित अर्थव्यवस्था और माननीय चौधरी चरण सिंह जी का जो गांव किसान के प्रति उनकी जो अपेक्षा थी जो उनका संकल्प था माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसे पूरा किया और ये देश के 140 करोड़ लोगों को और जो गांव के अन्नदाता किसान हैं उन सबके देश के प्रति जो योगदान चौधरी चरण सिंह जी का था उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया। ये हमारे लिए गर्व की बात है, हम खेत किसानों के लिए बहुत ही आनंदित देने वाला क्षण है और हम सब लोग आनंदित होकर माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी सरकार की जो नीति है पद्म पुरस्कारों के बारे में हम लोग संजीत जी के साथ हमारी सरकार उस पर आगे बढ़ रही है। हमारे यहाँ परिवारों को या विशिष्ट जनों को सम्मानित करने की योजना भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की नहीं है। आप पिछले 10 वर्षों में जिन लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं आप उनका पूरा असेसमेंट करोगे तो निश्चित रूप से जिनका समाज में योगदान है जिन्होंने समाज के लिए काम किया हम उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है उस नीतिगत आधार पर निर्णय होते हैं। काशीराम जी ने समाज के लिए बहुत योगदान किया है लेकिन जैसी परिस्थिति सरकार को निर्णय करना होता है उसके पैरामीटर होते हैं उसी आधार पर निर्णय होते हैं। मैं आप सब लोगों के माध्यम से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।